Good morning students, welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise D and exercise E of chapter 2, planning a surprise of your new English fairy book. Let's start with exercise D. Answer these questions in 80 to 100 words each. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर 80 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखने हैं. इट मींस दे आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. लेट्स डू इट नाउ. क्वेश्चन नंबर वन इज डिस्क्राइब हाउ द गर्ल्स प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर देयर मदर ऑन क्रिसमस. आपको डिस्क्राइब करना है कि लड़कियों ने क्रिसमस पर अपनी माँ के लिए सरप्राइज कैसे प्लान किया. आंसर इज द गर्ल्स प्लान्ड टू सरप्राइज देयर मदर ऑन क्रिसमस By gifting her different things. लड़कियों ने माँ को सरप्राइज करने के लिए प्लान किया क्रिसमस पर उनको अलग अलग तरह के तोहफे देकर. Meg decided to gift her a pair of gloves. Meg ने डिसाइड किया कि वो उन्हें एक जोड़ी दस्ताने गिफ्ट करेगी. जो a pair of army shoes. और जो ने डिसाइड किया कि वो एक जोड़ी आर्मी के जूते गिफ्ट करेगी. बेथ सम हैंकरचीफ्स. और बेथ ने सोचा कि वो कुछ हैंकीज उन्हें गिफ्ट करेंगी. एंड एमी वांटेड टू गिफ्ट अ बॉटल ऑफ कोलोन. और एमी ने प्लान किया कि वो माँ को एक परफ्यूम की कोलोन की बॉटल देगी. दे डिसाइडेड टू पुट ऑल देयर थिंग्स ऑन अ टेबल. उन्होंने ये निश्चय किया कि वो ये सारी चीजें टेबल पर रख देंगे. एंड ब्रिंग हर इन एंड सी हर ओपनिंग द बंडल्स. और फिर माँ को अंदर लेकर आएंगे और उन्हें इन बंडल्स को पैकेट्स को खोलते हुए देखेंगे. दे वुड प्रिटेंड एज इफ दे. वो ऐसा दिखाएंगी जैसे कि वो वर गेटिंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. वो ऐसा दिखाएंगे जैसे कि वो चीजें अपने लिए खरीद रही हैं. एंड देन सरप्राइज हर विद द ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स. और फिर वो माँ को उन सुंदर तोहफों से सरप्राइज करेंगी. क्वेश्चन नंबर टू. व्हाई डू यू थिंक मिस्टर मार्च लेटर नश्ड द गर्ल्स टू मेक सर्टेन रेजोल्यूशंस. आपको क्यों लगता है कि मिस्टर मार्च के पत्र ने लड़कियों को संकल्प लेने के लिए बढ़ावा दिया. आंसर इज सून आफ्टर हैविंग द डिनर. डिनर लेने के तुरंत बाद द फोर गर्ल्स ड्रू टू द फायर. चारों लड़कियां आग के पास चली गई. वेयर देयर मदर सैट ऑन अ बिग चेयर. जहां पर उनकी माँ एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थी. शी ओपन्ड एंड स्टार्टेड रीडिंग मिस्टर मार्च लेटर. उन्होंने पत्र खोला और पढ़ना शुरू कर दिया. वो पत्र जो मिस्टर मार्च ने लिखा था. विच नॉट ओनली शोड हिज लव एंड लॉन्गिंग टू बी विद हिज लिटिल गर्ल्स. वो पत्र न केवल अपनी बेटियों के लिए प्यार दिखा रहा था बल्कि ये भी बता रहा था कि वो कितने ज्यादा इच्छुक है अपनी बेटियों के पास आने के लिए. बट ऑल्सो हिज एक्सपेक्टेशंस. उसके साथ साथ उनकी कुछ उम्मीदें भी थी. एंड वॉट ही वॉन्टेड ईच वन ऑफ देम टू बी लाइक. और वो चाहते थे कि हर कोई कैसा बने. ये भी उन्होंने उसमें बताया था. ही ट्रस्टेड देम दैट दे वुड बी लविंग देयर मदर फेथफुल टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उन्हें भरोसा था कि वो लड़कियां अपनी माँ से प्यार करती होंगी और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होंगी, विश्वसनीय होंगी. द ट्रस्ट दैट द फादर हैड इन हिज डॉटर्स. वो विश्वास जो फादर को अपनी डॉटर्स में था मेड द गर्ल्स रिजॉल्व टू बी व्हाट ही वांटेड टू बी. ने लड़कियों को संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया कि जैसा उनके फादर चाहते थे वो वैसा ही बने. क्वेश्चन नंबर थ्री. विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन योर ओपिनियन ऑफ द मार्च फैमिली. सुटेबल एग्जाम्पल्स देकर के आपको मार्च फैमिली के लिए अपनी राय बतानी है. आंसर इज मार्च फैमिली लिव्ड इन कंस्ट्रेंड मींस. मार्च फैमिली सीमित साधनों में रहती थी. फादर वॉज अवे एट वॉर. पिताजी बाहर थे युद्ध के लिए.
एंड मदर लुक्ड आफ्टर द फोर डॉटर्स, और माँ अपनी चार बेटियों की देखभाल करती थी। मार्गरेट द ओल्डेस्ट वॉज 16, मार्गरेट जो सबसे बड़ी थी वो 16 ईयर्स की थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड प्रेटी, वो बहुत ही सुंदर थी। जो 15 ईयर्स ओल्ड वो टॉल एंड थिन, जो 15 ईयर्स की थी वो टॉल थी, लंबी थी और पतली थी। एलिजाबेथ वॉज अ शाई गर्ल ऑफ 13, एलिजाबेथ 13 ईयर्स की एक शर्मीली लड़की थी। एमे द यंगेस्ट वॉज अ लवली मेडन, एमे जो सबसे छोटी थी वो एक प्यारी सी युवती थी। द सिस्टर्स वर लविंग एंड केयरिंग बट ऑल्सो गिवन टू फिट्स ऑफ रिबेलियसनेस नाउ एंड देन। बहनें आपस में एक दूसरे से प्यार करती थी और एक दूसरे की केयर करती थी, लेकिन कभी कभी वो एक दूसरे की विद्रोही भी बन जाती थी। मार्च फैमिली वॉज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मार्च फैमिली फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। दे गेव प्रायोरिटी टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, वो अपने बच्चों की जरूरतों को प्रायोरिटी देते थे, महत्व देते थे। मिसेस मार्च शूज वर कम्प्लीटली वोन आउट, मिसेस मार्च के जूते पूरी तरह से फट गए थे। बट शी डिड नॉट बॉदर अबाउट इट, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। आफ्टर लुकिंग एट द मदर्स वॉर्न शूज, गर्ल्स डिसाइडेड टू प्लान अ सरप्राइज फॉर देयर मदर ऑन क्रिसमस। अपनी माँ के फटे हुए जूतों को देखकर लड़कियों ने क्रिसमस पर उन्हें एक सरप्राइज करने का प्लान किया। विच शोज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दिखाता है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ई, रीड दीज सेंटेंसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नाउ हियर quotation from the chapter is given and based on that quotation few questions are asked. You have to answer those questions. Now, first quotation is, you are a regular Shakespeare. This is quotation from the chapter. Based on this quotation, question number A is, who said these words and to whom? Ye shabd kisne aur kisse kahe? Answer is, Beth said these words to Joe. ये शब्द बेथ ने जो से कहे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डस रेगुलर शेक्सपियर मीन, रेगुलर शेक्सपियर का क्या मतलब है? आंसर इज, रेगुलर शेक्सपियर मीन्स द वन हु इज क्रिएटिव एंड टैलेंटेड लाइक शेक्सपियर। रेगुलर शेक्सपियर का मतलब है कि वो जो शेक्सपियर की तरह ही क्रिएटिव और टैलेंटेड हो। द ड्रामेटिस्ट टू राइट ओरिजिनल प्लेस स्टोरीज और पोएम्स, वो ड्रामेटिस्ट जो ओरिजिनल प्लेस स्टोरीज और पोएम्स लिखता है। क्वेश्चन नंबर सी, डू यू थिंक द स्पीकर वॉज पेइंग अ कॉम्प्लीमेंट टू द लिसनर, आपको क्या लगता है कि स्पीकर ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ऐसा कहकर कि यू आर अ रेगुलर शेक्सपियर? आंसर इज यस, बेथ इज पेइंग अ कॉम्प्लीमेंट टू जो, हाँ ऐसा कहकर बेथ जो को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सेकेंड कोटेशन इज, एवरीबडी स्निफ्ड व्हेन दे केम टू दैट पार्ट। नाउ दिस इज कोटेशन फ्रॉम द चैप्टर। बेस्ड ऑन दिस कोटेशन, क्वेश्चन नंबर ए इज, वेयर वॉज एवरीवन, हर कोई कहाँ था? आंसर इज, एवरीवन रिफर्स टू द मार्च सिस्टर्स, यहाँ एवरीवन मार्च सिस्टर्स के लिए एंड देयर मदर और उनकी माँ के लिए यूज किया है। हु वर सिटिंग नियर द फायर, जो आग के पास बैठी थी। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वर दे डूइंग, वो क्या कर रही थी? आंसर इज, दे वर लिसनिंग अटेंटिवली टू द फादर्स लेटर विच वॉज बींग रेड आउट बाय द मदर, वो बहुत ध्यान से फादर के लेटर को सुन रही थी जो कि उनकी माँ द्वारा पढ़ा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर सी, विच पार्ट इज रिफर्ड टू हेयर, यहाँ पर पार्ट किस चीज के लिए रिफर किया गया है? आंसर इज, द पार्ट रिफर्ड टू हेयर इज द पार्ट ऑफ द लेटर
where the father mentions how he hopes to be founder and prouder than ever of his little woman when he returns home. यहाँ पर little woman है उनकी छोटी बेटियों के लिए. So the answer is the part referred to here is the part of the letter. वो part जो यहाँ refer किया गया है वो part letter का part है, पत्र का हिस्सा है, जिसमें father ये mention करते हैं कि वो जब वापस लौटेंगे अपनी बेटियों के पास तो वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि उन्हें बहुत गर्व होगा. So students, that's all for today. We have done exercise D and exercise E of this chapter in this video. I hope you like the video. If you like it, then press on like button. Share this video with your friends, classmates and your known ones. And most important, don't forget to subscribe my channel. See you soon in another video. Till then, bye-bye. Have a good day.